देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के बीच भयंकर लड़ाई हुई। सरेआम प्रियंका और अमृता को लड़ता देख जनता भी हैरान रह गई। दरअसल मामला ये है कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता को एक डिजाइनर ने 1 करोड़ रुपए घूस देने की कोशिश की थी और इसके साथ ही धमकी भी दी थी। अब इसी मामले में अमृता ने FIR करवाई, जिसके बाद मामला मीडिया में आया और फिर इस मामले को लेकर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद अमृता फडणवीस भड़क गई। दरअसल इस पूरे मामले में देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात की और बताया कि इसमें एक राजनीतिक साजिश है, जिसके बाद से ही शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भड़क गई और प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट ऐसे किए जो अमृता फडणवीस के खिलाफ गए। दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी ने कोई एक ट्वीट नहीं किए बल्कि कई सारे ट्वीट करते हुए उन्होंने अमृता फडणवीस पर गंभीर आरोप लगा दिए और जमकर अपनी भड़ास भी निकाल ली। प्रियंका के इस ट्वीट पर अमृता भी बरस पड़ी और फिर क्या था, मामला औकात तक आ पहुंचा। दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक अपराधी की बेटी वास्तव में मुख्यमंत्री के घर में जाती है और उसके पत्नी के साथ 5 साल से अधिक समय से दोस्ती भी है। जैसा कि विधानसभा में डिप्टी सीएम ने बयान दिया, उसकी पत्नी को गहने पहनने के लिए कपड़े देती है ताकि उसका प्रमोशन हो सके, उसके साथ उसकी कार में घूमती है। इसके साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि डिजाइनर दोस्त उसे ये भी बताती है कि वो कैसे रिपोर्टिंग सट्टेबाजों के माध्यम से पैसा कमा सकती है, उन पर छापा मार सकते हैं और पैसा कमाने के लिए उसी का निपटान भी कर सकते हैं। इसके बावजूद उसकी दोस्ती कायम है। अब वीडियो और ब्लैकमेल करने के आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है श्री नरेंद्र मोदी जी? अब सदन में डिप्टी सीएम का ये कहना है कि एक राजनीतिक साजिश है। राज्य में पुलिस किसे रिपोर्ट कर रही है? गृह मंत्री को होम मिनिस्टर कौन है? श्री देवेंद्र फडणवीस जी। वो कौन सी पार्टी है जिसने शिकायत की है? अमृता फडणवीस। क्या इस मामले की स्वतंत्र जांच नहीं होनी चाहिए? वीडियो को अपने ही परिवार के मुद्दे में हेरफेर करने का दावा करने वाला गृह मंत्री का ये बयान गलत और अनैतिक है। अगर ये नेता विपक्ष का होता तो डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार, गलत काम, मीडिया का आक्रोश, ईडी का कूदना, सीबीआई का प्रवेश, एसआईटी का गठन चिल्ला रहा होता। अब जैसे ही प्रियंका ने इतना लिखा, इस पर फडणवीस की पत्नी ने प्रियंका की औकात दिखाते हुए ये कह दिया कि मैडम चतुर, पहले आपने झूठा दावा किया कि मैं एक्सिस बैंक को लाभ पहुंचाती हूं और अब आप मेरी ईमानदारी को चुनौती दे रही हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारा विश्वास हासिल करने के बाद अगर कोई पैसे देकर मामले को बंद करने के लिए तुमसे संपर्क करता तो तुम अपने मास्टर के माध्यम से ऐसे व्यक्ति की मदद करती, ये है तुम्हारी औकात। अब इसी पर प्रियंका ने फिर से पलटवार कर दिया और कहा कि शुक्र है मेरी औकात प्रमोशन के लिए डिजाइनर कपड़े देने की नहीं है जो बाद में गंदी स्थितियों में ले जाता हो। मिसेस फडणवीस, मुझे नहीं पता कि स्वतंत्र जांच की मांग ने आपको इतना परेशान क्यों कर दिया, और ईमानदारी से कहूं तो जिस दिन उन्होंने आपको पैसे कमाने के लिए टिप्स दिए थे उसी दिन आपको इसकी सूचना देनी चाहिए थी। जिसके बाद अमृता फडणवीस ने फिर से प्रियंका को लताड़ा और कहा कि मुझे पता है कि आपकी औकात मालिक बदलने और ईमानदार और स्वतंत्र महिलाओं को नीचा दिखाने की है। आपको एक स्वतंत्र जांच के लिए मिस चतुर पोकिनोस को पूछने की क्या जरूरत? मैं खुद इसकी मांग कर रही हूँ। इस विश्वासघात के पीछे असली चेहरों के साथ साथ छल का सच भी सामने आने दो। तो कुछ इस तरह से दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई और जो चर्चा का विषय बन गई। किस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी ने देवेंद्र फडणवीस की वाइफ को फडणवीस बता दिया, तो वहीं पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने प्रियंका चतुर्वेदी को चतुर पोकिनोस बता दिया। अब जिस तरीके से ये मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है, ये विधानसभा में मुद्दा बना, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस पर जवाब दिया। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से भी बात की है। इस मामले को बेहतर तरीके से जानने के लिए आप सुन सकते हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को। आज मैंने विधानसभा में निवेदन किया है, मेरी पत्नी अमृता फडणवीस, इन्होंने एक FIR दाखिल की है जिसमें उनके माध्यम से भ्रष्टाचार करके और ब्लैकमेल करके दबाव बनाकर किस प्रकार से अपनी केसेस वापस लेना, भ्रष्टाचार करना इसकी कोशिश की गई, इसके बारे में FIR है। अनिल जयसिंघानी ये एक बुकी है जो पिछले करीब 4 से 5 सालों से
एब्सकॉन्डिंग है, देश के भिन्न भिन्न राज्यों में उनके ऊपर 14 केसेस चल रही है और उनकी बेटी अनीक्षा जो पढ़ी लिखी है और संभ्रांत नजर आती है, उन्होंने पहले 2015-16 में मेरी पत्नी से संपर्क किया था, बाद में कोई संपर्क नहीं था और जिस समय महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आई उसके बाद 2021 से वो वापस मेरी पत्नी के संपर्क में आई। उस समय उन्होंने ये बताया कि मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, मैं ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ, आप मेरे ड्रेसेस पहनिए, मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करती हूँ और धीरे धीरे मेरे पत्नी का विश्वास संपादित करने की कोशिश की। मेरी माँ गुजर गई है, उस पर मैंने किताब लिखी है, आप उस किताब का विमोचन कीजिए, मैं 50 प्रमुख महिलाओं में आई, मेरा स्वागत कीजिए, ऐसे कई चीज़ें बताकर वो बहुत करीब आई और फिर उसने एक बार ये कहने की कोशिश की कि मेरे जो पिताजी है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते थे, बुकीज को पकड़ कर देते थे और उसके बदले में पैसा मिलता था और ये काम में आप मुझे मदद कीजिए, और ये बोलना उसने शुरू किया। जैसे सरकार बदली और हमारी सरकार आई उस समय ये बोलना शुरू किया तो मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा काम नहीं है। फिर उसने कहा मेरे पिता को फंसाया गया है, उनके ऊपर गलत केसेस लगाए गए हैं। तब मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको अगर फंसाया गया तो आप एक निवेदन DCM को दीजिए, वे उस पर देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आया कि ये कुछ गलत काम कर रही है और फिर उसने एक दिन ये कहा कि मेरे पिताजी को छुड़ाने के लिए हम 1 करोड़ रुपया लेने को तैयार है, और उसके बाद कई बातें और कही और मेरी पत्नी ने उसके बाद उसको ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के 2 दिनों बाद, यानी मोबाइल पर ब्लॉक किया, ब्लॉक करने के 2 दिन बाद एक अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस और कुछ वीडियोज आए और उसके बाद उसमें जिन्होंने भेजे थे वो अनिल जयसिंघानी थे कि आपने मेरी बेटी को ब्लॉक किया, आप अनब्लॉक कीजिए, हमको हमारी सारी केसेस वापस ले लीजिए, और कुछ और डिमांड्स की गई, ये करिए नहीं तो ये जो वीडियो है हम सार्वजनिक करेंगे। अब ये वीडियो क्या है, तो इसमें वो मेरी पत्नी को एक हार पहना रही है, मेरी पत्नी को अंगूठी पहना रही है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 2 वीडियो ऐसे तैयार किए हैं कि जिसमें एक वीडियो में वो बाहर कहीं पर एक बैग में पैसे भर रही है और बाद में उसी प्रकार की बैग वो मेरे घर में काम करने वाली महिला को दे रही है और फिर उसने कहा कि मैंने पैसा दिया है। जैसे ही ये सारे वीडियोज आए तुरंत मैंने FIR करवाई और FIR करवा के ये सारे वीडियो फॉरेंसिक जांच को भेज दिए और पुलिस के कहे अनुसार हमने उनको एंगेज करना शुरू किया, क्योंकि अनिल जयसिंघानी ये फरार थे। फॉरेंसिक में ये तो बिल्कुल क्लियर कट रिपोर्ट आया कि जो पैसे भरी हुई बैग है और जो दी हुई बैग है उसमें अंतर है और फ्रेम बाय फ्रेम बहुत क्लियर कट वो सारी बातें एस्टेब्लिश हुए, उसका क्लियर कट रिपोर्ट भी आया। लेकिन फिर भी हम उनको एंगेज कर रहे थे और जब एंगेज कर रहे थे ऐसे समय इतनी सारी बातें रिकॉर्ड पर आई है, कई नेताओं के नाम आए हैं, कुछ अधिकारियों के नाम आए हैं और ऐसा मानना है कि शायद MVA की सरकार में अपनी केसेस वापस लेने के लिए इस कॉन्स्पिरसी की शुरुआत उन्होंने की थी और सरकार बदल गई तब उनके ध्यान में आया कि अब
ब्लैकमेल करके हम अपनी केसेस वापस ले सकते हैं। इसमें ये जो एफआईआर हुई थी उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रिकॉर्ड पर लाई, उसी समय लाई। एफआईआर इसलिए डिक्लेयर नहीं किया था क्योंकि ये जो एब्सकॉन्डिंग व्यक्ति था इसको पकड़ना था, इसके साथ एंगेज कर रहे थे क्योंकि ये वीपीएन से बात करता था, ये नंबर से बात नहीं करता था। इसलिए ये सारी चीज़ें जैसे जैसे बाहर आई, किंतु चूंकि एफआईआर हुआ था और वो एफआईआर होने के दो दिन में कोर्ट भेजना पड़ता है, इसलिए उसकी एक खबर आई और खबर आने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई तो हुई, लेकिन अभी भी ये व्यक्ति छपड़ा नहीं है। शायद इसके कारण वो अलर्ट हुआ है पर पुलिस उसको ढूंढ रही है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति में ये बहुत ही निचला स्तर है। मैं किसी के ऊपर अभी आरोप नहीं करता क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिए हैं तो उसमें से कितनी चीज़ें सच है और कितनी झूठ है ये सारी चीज़ें तफ्तीश के बाद ही ध्यान में आएगी। लेकिन उसने मुंबई के एक पुराने पुलिस कमिश्नर का भी नाम लिया हुआ है और मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन जब मैंने पुलिस में पता किया तो जिस समय ये सरकार थी उस समय उसकी केसेस वापस लेने की कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके ऊपर कुछ नोटिंग भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये जो कॉन्स्पिरसी है, ये व्यक्ति जब छपड़ेगा तो पूरी कॉन्स्पिरसी बाहर आएगी। और अभी पुलिस ने कुछ छापे मारे, कुछ कार्रवाइयाँ की है। मैं इससे ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि पुलिस की तफ्तीश में मैं ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करना चाहता, किंतु मुझे लगता है कि जो मैं लगातार कह रहा था कि जिस समय पुरानी सरकार थी कुछ प्रयास किए जा रहे थे, वो तो अलग प्रयास थे, एक नया प्रयास ये सामने आया है। और इसके एविडेंस जैसे ही मुझे मिलेंगे तो मैं बाकी बचे हुए एविडेंस भी आपके सामने लाऊंगा। कुछ चीज़ें चार्जशीट के माध्यम से आएगी तब आपको मिलेगी।